हेलमेट नहीं पहनने था, गली से जा रहे थे। अभी मजाक कर रहा था। अभी तू बच्ची नहीं है, मत बैठ, टूट जाएगा। Honestly, fish shopping is not easy. कोई गाड़ी नहीं बनी। Must try fish fry. वो मछली का था। बंगाली मम्मी के लिए। से बड़ा इम्तिहान। इम्तिहान नहीं, इम्तिहान। क्या प्रियंका जी कर सकती है? बम। प्याज मत काटो, आंसू आ रहे। ओ आंसू आ रहे बेटा। आपका बीपी हाई रहता है ना? रीजन नहीं। ये पिंक रूम में मैं क्या करूं बेबी डॉल? गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू फाइनली कुक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय न्यू किचन। आई वांट टू कुक समथिंग फॉर माय मॉम एंड डैड एंड मेक देम ईट। सो पूजा के दो दिन बाद आई मेड देम हैड ब्रेकफास्ट। उसके बाद वी डिडंट कुक एनीथिंग। तो मम्मी बेसिकली नीचे खाना बनाती थी या ऊपर हम लोग लाके खाते थे या हम नीचे जाके खाना खाते थे। हमारे यहाँ मेरी मम्मी के साइड में बंगालीज में ये माना जाता है कि अगर अच्छा ओकेशन होता है तो उस ओकेशन में यू शुड कुक एंड ईट फिश, बिकॉज फिश को गुड साइन माना जाता है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई एम गोना कुक अ वेरी डिलीशियस माई फेवरेट डिश विच इज माई मॉम्स रेसिपी। तो वो सब हम करेंगे, बट बिफोर आई प्रोसीड आई वांट टू से दैट थैंक यू टन्स मिलियंस एंड जिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम फूड फॉर्म फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन द होम टूर वीडियो। बट मेक श्योर कि 50,000 का लाइक टारगेट पूरा हो जाए, बिकॉज वंस दैट्स डन आई विल अनाउंस द विनर। आई वाज जस्ट रीडिंग कमेंट्स एंड आई जस्ट फेल्ट कि ना मैं सबको गिव अवे दे दूं और मैं सबसे जाके मिलूं और मैं सबके साथ बैठ के ना खाना खाऊं। मेरा मन करे तो मैं क्या क्या ना करूं। वैसे तो मैंने बोला है कि आई गिव द गिव अवे टू 25 फूड फैम, बट यू विल नेवर नो। सो पापा शेफ, नए घर में बैठ के कैसा लग रहा है आपको? अरे घर तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो हमारा मंदिर राधा कृष्ण का बना है वही सबसे उठा। और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मतलब वहाँ बने, तो तेरे जरिए बना। अच्छा मेरे जरिए बना, लेकिन इच्छा आपकी थी? इच्छा। अच्छा मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, हम सब एक जरिया है। बट आपको कैसा लग रहा है नया घर? नया घर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? मंदिर ही है सबसे बेस्ट पार्ट, जहाँ सबको जाना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फूड फैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ लास्ट 1.5 साल से हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। मेरे पापा की जितनी लड़ाइयाँ हुई है इस पूरे प्रोसेस में, पापा लास्ट में क्या डर जाते थे, है ना? और क्या, कैसे कैसे मतलब कहीं गलत नहीं हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। प्रियंका, पूजा होने के बाद कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ लगे रहते थे, ए इटा करो उटा करो इटा करो, अब कुछ है। मॉर्निंग शिंजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिंजू, गुड मॉर्निंग शिंजू। काम चालू से लेके पूजा वाले दिन से लेके अभी शिफ्ट होने से लेके कुछ शब्दों में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप कैसे फील करती थी जब काम होता था। गुस्सा आते थे मुझे, मट्टी वाली 24 घंटा चाय, मिस्त्री का चाय, चाय बना बना के मैं तो चाय ही छोड़ दी। मैं चाय नहीं पीती हूँ बाबा, और चाय बनाने का मन नहीं है। घर सब सुंदर है, पर मंदिर तो मंदिर ही है। पापा भी यही बोले कि घर वर तो ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत आते जाते हैं, बट मंदिर जैसा कुछ नहीं। बट फॉर श्योर एक चीज, अभी मैं नहा के आई हूँ इसलिए, बट फॉर श्योर एक चीज है कि ऊपर डेफिनेटली सारा अमेनिटीज है, बट नीचे वाले घर में एक अलग सुकून था। आदत नहीं इतना, मतलब कि हर चीज हैंड टू हैंड मिल जाए। मिट्टू भी बोल रहा है वहां पर, क्या नीचे वाले घर में ये खोजना वो खोजना वो खोजना, उसमें एक अलग मजा था। मम्मी ये कहा, मम्मी वो कहा, और फिर ये इधर टूटा हुआ दीवार देखना, इधर इतना क्लमजी वार्डरोब देखना, तो एक मोटिवेशन मिलता था नहीं अच्छा करना है। बट इस घर में शिफ्ट होने के बाद लगता है हम नेक्स्ट वो हॉट लाइक वो हॉट। आज सबसे पहले मैं मम्मी और पापा को ही नाश्ता करा दे रही हूँ, कुछ बाद में बना के खिलाऊंगी अच्छा सा आज, बिकॉज फाइनली गैस जलाना पड़ेगा। तो मैं मम्मी पापा को नॉर्मल ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी, दैट इज अंडा ब्रेड। आप अंडा नहीं खाओगे? पापा बिकॉज पुजारी बन गए हैं तो पापा सुबह वेज खाते हैं, सुबह वेज खाते हैं, फिर शाम को पूजा करने के बाद नॉनवेज खाते हैं। हाउ टू यूज दिस टोस्टर, लेट्स ट्राई। अरे वाह वाह वाह, गैस जलाना सीखना पड़ेगा मेरे को। पूजा वाले दिन ये जला था, जल गया। मुझे सिखाना बाद में, मैं भी नहीं जानती हूँ। तेल है, मक्खन डालना, तेल का ही डालेगी। इधर मैं खाना बना रही हूँ और उधर सिंजू मासी के हाथ से चुलकानी खा के सो रख से कुछ लीजिए आप, देखो कुछ ली। ये अंडा आजकल अच्छा नहीं आ रहा है ना, अंडा में स्मेल आ रहा है। अंडा पहले जैसा है।
इंडक्शन में तो खाना बहुत बनाया, जब तक स्टोव में और गैस में खाना नहीं बनाएगी खाना बनाना नहीं आएगा तेरे को। आई एम नॉट अ कुक, मतलब जो इंडक्शन में खाना बनाता हूँ उनको खाना बनाना नहीं आता। वाह कितना सुंदर बना, फर्स्ट टाइम मेरा पोच टूटा नहीं है। मेरी बेटी का हाथ का पहला ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, अंडा ब्रेड। पहला दिन मैंने पहले बहुत खिलाया नए घर का, नए घर में नए जिले में नए हाथ हो गया, अभी पहले दूसरा हाथ था, सिंपल कुड़ी का हाथ है। नया किचन में खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप बिनोमो के बारे में बताती हूँ, जहाँ से आप मंथ के 30,000 रुपीस कमा सकते हो, यानी कि दिन के 1500 रुपए तक। बिनोमो ऐप बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस में अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल एप्लीकेशन है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी जैसे कि यूएसडी, यूरो में भी ट्रेड कर सकते हैं और 90% एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाइए और पाइए 65,000 रुपीस अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको सिंपली चूज एसेट्स की फोरकास्टिंग करनी होती है, जैसे कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने 700 रुपए लगा के अब पे इन्वेस्ट कर दिया और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हुआ और मैंने 1288 रुपीस कमा लिए। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये सारे पैसे कैसे मिलेंगे। सिंपली आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लो विद इन 24 आवर्स। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीस है, बट अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगा के जाएंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 के 700 रुपीस, 1000 के 2000 रुपीस। बट हाँ, ट्रेड वाइजली, हाँ इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है और ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है। तो वेट किस बात की, डाउनलोड करें बिनोमो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्टार्ट करें अपनी अर्निंग। वेल आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? नाच मेरी जान, होके मगन तू, छोड़ के सारे। मैंने तो हेलमेट नहीं पहना, परंतु नाच मेरी जान। हेलमेट नहीं पहनना था, गली से जा रहे थे। न्यूटन में तो हेलमेट लगता है। ये एक न्यू टाउन में काफ़ी अच्छा जगह कर दिया, बच्चा लोगों का हैप्पी स्ट्रीट जैसे ही कर दिया पूरा कम्प्लीटली ना। यहाँ पर झूला है, एक्सरसाइज मशीन्स बैठा दिया, लुक वाइज भी कितना सुंदर किया है। ये कहाँ पर है? सेंट्रल मॉल के ठीक बाहर, वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट एरिया। एंड देख टॉयलेट कितना अच्छा बना है यहाँ पर। एक न्यू टाउन में फ्लैट दिला दे प्लीज। ट्रॉली ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, और ये भी डस्टबिन अच्छा है, ये भी अच्छा है। इनफैक्ट मेरे को हैंगर भी लेना है। This is so cute. I want this. हाँ एक ले लेना, ले लेना, दिला दे बिट्टू प्लीज, दिला दे। अच्छा ये दिला दे, कितना प्यारा है। मेरा बाथरूम की ये सब काम लगा दे रहा ना मेरे को, ये सब जैसे वो बसिन वसिन सफा करने के लिए, ये सब बहुत नेसेसरी है। सेट ऑफ डिटेल ब्रश, ये थोड़ा सा वो सब सफा के लिए, कौन सा सफा के लिए बोल, स्लाइडर। साथ बच गए हम लोग, अभी तक से बाथरूम का सामान लेना हुआ है, अब हम लोग किचन का सामान लेंगे, उसके बाद हम लोग फिश लेंगे, उसके बाद हम डिनर बनाएंगे। वीडियो नहीं होगा, खाना कब खाएंगे पता नहीं। देखो यहाँ मजा आ रहा है टूटने की, घर में चेयर, यहाँ चेयर, हर जगह बैठ जाएगी। चल अब नहीं, अब पैसा कटेगा, चल नहीं जाना, मैं नहीं जाना, दत्तरी की मेनू घर नहीं जाना। चल 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 चल, ये ले यहाँ पे चाय वाय पी ले, अभी मजाक कर रहा था। फ्यूचर बच्चा के लिए ले रही हूँ। अभी तो बच्ची नहीं है, मत बैठ टूट जाएगा। डिक्लाइनिंग कैसे होगा? मैनुअल है, मैनुअल, मत बैठ। छोटा बच्चा के लिए, व्हाई शुड मॉम हैव ऑल द फन, टूट जाए। हम लोग अब घर आ चुके हैं, मेरा बस चलता तो मैं होम सेंटर से कभी वापस ही नहीं आती, मेरे को वही रख लो। ऐसे पूरा एक कार्टून उठा के लाइए, जो भी है। ये जो है मैं अनबॉक्स करूंगी अभी, बट इस चैनल में नहीं, आप मेरे सिंपल ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, वीडियो वहां आपको देखने को मिलेगी। इतने दिनों बाद बागवी हाथी, बाबा ये मछली वाले के पास हमेशा भीड़ रहता है यार। क्या मछली है इसका? क्वालिटी फिश। हाँ राउंड पीस। Honestly, fish shopping is not easy. कोई गाड़ी नहीं बनी। I really need to learn fish shopping bargain thing and all. But yeah, it's fun always buying fish from this market. Bagwadi market is love forever. मिर्ची और कसूरी मेथी। Wow, I love veggies.
to know how much we love Gondolaboo's love, no vlog, everything for Chori chori dekhiya sakhiya re roll kha raha hai shahi ka bittu bhaiya re wow 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 shahi ka roll is amazing fabulous kitne saal baad kar is karol 6-7 saal baad 6 to 7 years after nahi beech mein agar kabhi khaya hoga to yaad nahi but to be precise 6 to 7 years oh hum log aa chuke hain ghar और पापा बोल रहे हैं कि बाजार कर रहे थे या हम बाजार में रह रहे थे सो द थिंग इज दैट मैं मम्मी पापा के लिए नाश्ता ले आई हूँ बिकॉज ऑफ द रीजन खाना बनने में बहुत टाइम लगेगा तो बेचारे लोग भूखे रहेंगे इसीलिए मैं नाश्ता लिया ताकि वो लोग नाश्ता खा के थोड़ा शांत रहे और सिंह जुबा आ चुके हैं हमें अटैक करने के लिए यस यू कैन डू इट सॉरी मम्मी आज लेट हो गया आई एम सॉरी रोल खाओ शाही का मैं आपको फिश फ्राई सर्व करके दे रही फिश फ्राई From the most iconic place, Bagwati में शाही जो रोल का दुकान है उसके ठीक opposite में Must try fish fry. Sorry, अब dinner होने में late होगा इसको खा के चुपचाप शांत हो जाना एकदम चिल्लाना नहीं रोना नहीं पसीना पसीना हो गया सिलेंडर ऑन है हाँ सब कर दिया सिलेंडर ऑन है अरे सब ऑन है तेरे को बस जलाना है देखो जलाना मेरे को पहला लेट्स सी क्या होता है क्या प्रियंका जी कर सकती है हाँ कब तक पकड़ के रखेगी गैस नहीं बोला हो गया गैस जला लिया ये इसको खोलो तेल कितना डालना बहुत डालो थोड़ा तलना है ना कितना हो रहा है मैंने कुकिंग करी यहाँ पर थोड़ा बड़ा तुमसे ना हो पाए बम शिंजीवा मम्मा को देख रहे कुकिंग करते हुए नया किचन में मम्मा कुकिंग कर रही है मम्मा वेरी नर्वस आ जा मेरे बच्चा आ जा मेरे बच्चा मम्मा को कुकिंग करते देख पता क्या बोलने आया था मतलब प्याज मत काटो आंसू आ रहे हैं ओ आंसू आ रहे बेटा कैसा है आपका पहला एक्सपीरियंस नर्वस वेरी नर्वस नीचे बनाती थी वही ठीक था क्या आप मास्टर शेफ का ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे नहीं लगता क्या आप फिनाले तक पहुंच सकते हैं इंडक्शन कुकिंग आई एम गुड आप कोरियन बनाइए इंडियन छोड़ दीजिए नहीं इंडियन हमें सीख के रहूंगी इंडियन इंडियन कुकिंग इज द टफेस्ट कुकिंग इन द एंटायर वर्ल्ड आई एम टेलिंग यू एंड मैं इंडियन में एक्सेल करके ही रहूंगी देख लो डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए अब मुझे चैलेंज चल रहा है ये पापा बीच में आके जो कट 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 काट रहे हैं वो देखो और ये काट रही थी मैं सीख जाऊंगी पापा आपको लगता है मैं सीख जाऊंगी मैं इंडियन कुकिंग कर पाऊंगी फूड फैम कॉमेडी करके बताओ सिंपल दीदी इंडियन कुकिंग में बेस्ट होगी मम्मी आपको क्या लगता है होगी मम्मी को लगता होगी मम्मी को लगता है खाना दो खाए और सोए यहाँ पर हमारे फिश फ्राई हो चुके हैं तो अभी हम एक मसाला वेरी इजी रेसिपी है तो वो करेंगे जिसके लिए हम लोग एक बाउल में पहले सारे जो मसाले उनको डाल देंगे वी आर टेकिंग हाफ टेबल स्पून हल्दी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट ये मसाला हमारा रेडी है इस मसाले को हम साइड कर देते हैं और यहाँ पर हम अभी अनियन को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं तो जिस तेल में हमने फिश को फ्राई किया था उसी तेल में हम यहाँ ये प्याज को भूंज ले रहे हैं आप देख सकते हैं प्याज पूरा हल्दी हल्दी हो गया क्योंकि तेल में हल्दी बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो चुका है फिश फ्राई का तो
ये कुकिंग के पीछे तीन जन चौथा मैं। ये लोग मेरे को समझते ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ, they don't think। हाँ वो जो हमने मसाला मैरिनेट करा था उसमें थोड़ा पानी डाल के ऐसे बन गया है और उसको भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा हाँ एडिशन ये है कि अगर आप चाहो तो लहसुन ऐड कर सकते हो, बट हमने लहसुन ऐड नहीं किया क्योंकि आज हमारे घर में लहसुन पिसा हुआ है, लहसुन ही नहीं है सॉरी। उसी कटोरी में पानी ऐड करके तो एज यूजुअल थोड़ा डालेंगे चीनी टू बैलेंस अप द स्पाइसेस। ये हमारा मसाला कस चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी विच इज द स्टार डिश एंड द मेन डिश, क्योंकि इस डिश का नाम है 1 2 3 मेथी फिश। नया वाला जो वो होता है ये रखा रहता है ना, फिर होता नहीं ज्यादा। ये चीज तो मैंने सीखा पापा से, देखो गरम गरम में टेस्ट करो, परफेक्ट। अब जाएगी हमारी फिश फ्राई ग्रेवी में प्यार से। आई लव मच। तो अभी थोड़ा सा इसको वो करेंगे और फिश एकदम टच नहीं करेंगे, इसको जोर में थोड़ा डुबो देते हैं और थोड़ा सा खोल लेंगे, फिर हम लोग धनिया पत्ता डाल के इसको उतार लेंगे। वाओ नाउ माय फेवरेट धनिया पत्ता अच्छे से स्प्रिंकल ऑन टॉप एंड यस वोला माय डिलीशियस फिश इज रेडी। सो फाइनली मेरी मैथी फिश रेडी है। मम्मी भी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खाएगी क्योंकि हमारा सिंजुका भी खाना खा रहे हैं। सबसे पहले सिंजुका को भूख लगता है, उसके बाद घर का हर मेंबर खाना खाता है और पापा रेडी है खाने के लिए। तो पापा के लिए मैं मिर्ची दूं प्याज दूं? नहीं कुछ नहीं, अभी हम लोग ऐसे नीचे ही बैठ के खाएंगे। अभी हमारे घर में रुद्राभिषेक की पूजा होगी, उसके बाद वी विल स्टफ दिस होल रूम विद सोफा एंड डाइनिंग टेबल का, और जमीन पे खाते ज्यादा मजा आता है। तो नाउ लेट्स पैन द कैमरा ऑन टू द फादर साहब। वैसे तो इन लोगों ने हेल्प किया तो अच्छा ही बना होगा, बट ठीक है। नमक वमक चख लिया था? हाँ नमक तो कम है, मेरे लिए तो ठीक था। आपका बीपी हाई रहता है ना? रीजन नहीं, रीजन है बीपी हाई। दिस इज जजिंग। जास को थोड़ा नमक डाल देगा ना? ठीक है, बहुत नमक कम है। मिर्चा भी अगर खाना में नमक कम है उस हिसाब से खाना बेकार। कौन सा शेप हो आप? वैसे भी मम्मी ने हेल्प किया तो पापा तो 9 देंगे, ही इज वेरी पार्शियल फॉर मॉम। एक सवाल आपके लिए, एक जन ने कॉमेंट किया है कि बिट्टू भैया को एक भी रूम नहीं दिया घर में, कितने सेल्फिश हो आप, उसका जवाब दीजिए। मेरे पीछे मैं बताता हूँ क्यों। कौन मेरे को कहा गया? हाँ ये सिमरेला वाला रूम में। सिमरेला? कौन सिमरेला? बारबी डॉल पहले बता। सिमरेला ये मैं इसके इसके संग खेलू, इसके संग ये पिंक पिंक रूम में मैं क्या करूँ बेबी डॉल। रात को रोटी खाती हूँ तो मच्छी नहीं खाती हूँ, पर बेटी ने बनाया खाना पड़ रहा है। पर एक बात सुन लो, इतना लेट करके मत बनाया करो, फिर हजम नहीं होता, तकलीफ हो जाते हैं मच्छी खाने से। पर खा के देखती हूँ कैसे बना, देखने में तो अच्छा लग रहा है। खा के टेस्ट करो, देखो मत। मेरे से अच्छा बना है। आप ही बनाई होगी? नहीं, कितना रेट करोगी? मेरे तो फुल मार्क्स है। फुल मार्क्स बिकॉज़ आप ही ने बनाया। दाल भी है, पति आपके साइड में, आप अपने साइड में, मेरे साइड में कोई है ही नहीं। सिंजू भी मम्मी के साइड में। सिंजू भी मम्मी के साइड में। हाथ तो तेरा ही लगा ना, मुंह से मैंने बता दिया, पर बहुत अच्छा बना है। अब आती है टेस्ट टेस्ट की बारी, जो मैं खुद अपना खाना टेस्ट करूंगी टेस्ट नहीं करूंगी। सो मैंने यहाँ पर ले लिया गोविंद भोग चाल एंड ये है मेरा फेवरेट पीस स्लाइस ऑफ फिश विच इज द पेटी फिश। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से प्याज कटी मिर्ची, लुक्स फैब्यूलस।
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गोंदो लेबू. बंगाली फूड इज वेरी इनकम्प्लीट विदाउट दिस लेबू. ये मैं अभी बाजार से खरीद के लेके आई हूँ. गोंदो लेबू इज लव फॉर एवर. इसमें तो ठग गई है, ठग गई वो 10 रुपए पर पीस ठग गई. पता नहीं मेरे को बार्गेनिंग स्किल सीखना पड़ेगा. भात और लेबू और माँ जीवना की चाय. नमक ऐड करो. मेरे लिए नमक तेज हो गया, बट इट्स स्पाइसी, काफी मिर्ची है एंड टमाटर की वजह से हल्का खटास है. आई नो मैंने इसमें नींबू डाला तो आप लोग बोलोगे टमाटर नहीं नींबू की वजह से खटास है, बट नींबू का एक खटास अलग है. टमाटर का जो चंक जब मुंह में आ रहा है उसका टेस्ट एकदम अलग लग रहा है. दिस इज लाइक सुपर डिलीशियस. दिस इज माई फेवरेट पीस विच इज पेटी पेटी माछ. लुक एट दिस फिश, काफी अच्छा क्वालिटी फिश का. एंड आई लव माछे तेल, यू नो विच इज दिस. आई लव दिस तेल. आई लव लव लव. वेरी नाइस यार, बहुत मजा आया खाकर. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दैट इज फर्स्ट टाइम कुकिंग इन माई किचन. मम्मी पापा ने तो रेटिंग दे दी अपनी. अब आप बताओ कि आपको ये वीडियो देख के कैसी लगी. एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद सम येट अनदर डिलीशियस 24-hour फूड चैलेंज जो मैंने प्रॉमिस की हुई थी. तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय बाय.